धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे कंपनी संशोधन विधेयक 2016 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जो ये माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा कंपनी संशोधन विधेयक 2016 लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। वास्तव में कंपनियां व्यापार को सरल बनाने के लिए और देश की प्रगति में हाथ बटाने के लिए बनाई गई, लेकिन उनका जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है ये चिंता का विषय है। और समय समय पर इसीलिए इसमें संशोधन होते रहे हैं और इसी उद्देश्यों को लेकर के कि लोगों को व्यापार करना सरल भी हो और ही साथ ही कंपनियां दुरुपयोग न कर सकें और आर्थिक वो अनियमितता न कर सकें, इसलिए इस संशोधन को लाया गया है। मैं इसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं। मानवर, जैसा अभी मेरे साथी कह रहे थे कि कंपनियों को सीआरएस फंड खर्च करने का एक निश्चित 2% खर्च करने का उनको नियम बनाया गया है, लेकिन जिस प्रकार से वो सीएसआर फंड को वो दुरुपयोग कर खर्चा नहीं करती है, मैं उस मानव संसाधन कमेटी का सदस्य हूं और अध्यक्ष जी के साथ हम लोगों ने देश भर में उनको प्रेरित करने के लिए कि भाई वहां पर खेलों में खर्चा करें आप, वहां पर लोगों को खेलों को बढ़ावा देने में खर्चा करें, इसके तमाम हम सब लोगों ने बैठकें पूरे देश में करी है। और हम सब लोगों को जो सामने आया है, हमने उद्योगपतियों को बुलाया, हमने बैंकों को बुलाया और उसके बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं होता, लगातार 3 साल से मैं देख रहा हूं। तो मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उसमें वो उसको ये श्योर करना चाहिए उनको और कंपनी को एक ऐसा निर्देश वित्त मंत्रालय से भी जाना चाहिए, उसे सचिव रहते हैं, उन्होंने कहा कि हम निर्देश भेजते हैं, हम लोगों के सामने भी वो निर्देश देने का काम करते हैं और हम सब लोग भी आग्रह करते हैं, लेकिन उन्होंने सीएसआर फंड का अभी तक वो खर्चा नहीं करते हैं। आज तमाम देश में जो स्थितियां हैं उनके सहयोग की जरूरत है कंपनियों की, लेकिन फिर भी चाहे उसमें आर्थिक क्षेत्र उसको खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए हो या कहीं जैसे आदिवासी क्षेत्र में है उसमें शिक्षा को बढ़ावा देने का विषय हो उसमें उनको खर्चा करना चाहिए, तो कम से कम ऐसा इसमें प्रावधान जरूर करें वो, जिससे कि उनको बंधन लगाने का काम होना चाहिए कि वो अपने सीएसआर फंड का ठीक से वो खर्चा करें और उनको 2% खर्चा करना एक निश्चित कहा ही जाए, नहीं तो उनके खिलाफ उसमें कार्रवाई करने का भी बात होनी चाहिए। दूसरा, जैसा मेरे और साथियों ने भी बात कही है कि जो कंपनियां ये छोटी छोटी कंपनियां बढ़ा करके गरीबों का पैसा लेके भागती हैं, उसमें अभी तमाम 2013 में ये प्रावधान था, बीच में भी इसमें चर्चा हुई, सदन में भी चर्चा हुई, लेकिन इसमें अंकुश लगने का काम नहीं हो रहा। मैं समझता हूं कि इस बिल में निश्चित तौर से उस बात को जोड़ा जाएगा कि ऐसे कंपनियों के खिलाफ ऐसे वो पहले तो स्थापित ही न हो, कड़े प्रावधान हो उनको लाइसेंस देने में, उनको तभी ऐसी शर्तें रखी जानी चाहिए, तभी उनको लाइसेंस दिया जाने चाहिए। छोटी छोटी चिटफंड कंपनियां भी खोल करके वो लोगों का धन हड़प करके जो भागने का काम करती हैं, वास्तव में बहुत चिंता का विषय है। मैं समझता हूं कि इसमें उस बिल में उसको जोड़ा जाएगा और ऐसी कंपनियों को ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी कंपनियां उस पैसे को लेकर भाग न सके। दूसरा, दिवालिया कानून, वास्तव में जो कंपनियां अपने को दिवालिया घोषित करके और जो शेयर धारकों का पैसा हड़पने का काम करती है उसमें समय समय पर संशोधन हुए हैं और उसके तमाम समितियां भी बनाई गई हैं, लेकिन उसमें भी अभी अंकुश लगने का काम नहीं हो रहा है। तो ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी ऐसे कड़े प्रावधान होना चाहिए कि इस दिवालिया कानून को और भी सख्त बनाने का काम होना चाहिए। अभी जो कुछ कंपनियां, जैसा मेरा साथी भी कह रहे थे कि जो अपने अवैध पैसे को उसको जो कंपनियां बना करके सफेद करने का काम करते हैं, जैसे तमाम प्रकरण आए हैं और उसमें तमाम जांचें भी हो रही है, उसकी तो सीबीआई इंक्वायरी भी हो रही है, उनका मैं नाम बहुत नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ऐसे कैसे इसमें हम अंकुश लगाने का काम करें कि ये ऐसी फर्जी कंपनियों के माध्यम से बना करके उस अवैध धन को, नंबर दो के धन को जो वैध करने का काम करते हैं उसमें भी जरूर इसमें ऐसा प्रावधान करना चाहिए जिससे कंपनियां अपने उस पैसे को न कर सकें। तमाम समितियों का गठन किया गया था, दिवालियापन सुधार समिति, सीएसआर संबंधी समिति, उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी, लेकिन उसकी जो सलाह आई है उस सलाहों को ठीक से लागू करके इस बातों को ध्यान दिया जाए। मैं आज यही बातें कहता हुआ इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।